तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम आज का इम्पोर्टेंट करेंट्स अफेयर लेके आए हैं जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे चैनल से पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि मुझ में कोई त्रुटि लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अपने को सुधार कर सकूँ। पहला प्रश्न है, पुर्तगाल के दुआर्ते पचे को चुने गए, क्या पुर्तगाल के दुआर्ते पचे को चुने गए वर्ष 2020-23 के लिए IPU का नए अध्यक्ष? पुर्तगाल के कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल के दुआर्ते पचे के कौन है? दुआर्ते पचे के जो वर्ष 2020 और 23 के लिए IPU के नए सदस्य अध्यक्ष चुने गए। तो IPU क्या है? अंतर संसदीय संघ। क्या है? इंटरनल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन संघ। ये ऑर्गेनाइजेशन तो दूसरा, अंतर संसदीय संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में आधारित है। तो अंतर संसदीय सदस्य यानी इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IPU 1889 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1889 में। इसमें 179 देशों के राष्ट्रीय संसदों का प्रतिनिधित्व है। इसमें टोटल कुल देशों की संख्या जो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसकी संख्या कितनी? 179। तो इस प्रश्न से क्या क्या सीखें कि पुर्तगाल के में के कहाँ के निवासी थे? दुआर्ते पचे के, पुर्तगाल के 2020-23 के लिए IPU के अध्यक्ष चुने गए हैं। आप दूसरा क्या सीखें कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और तीसरा क्या सीखें कि इसमें इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1889 में। और यह चौथा क्या सीखें कि इसमें कुल देशों कितने सदस्य हैं? तो 179 देशों इसके सदस्य हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जिसको बोलते हैं CJI, CJI कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन के और नागपुर के न्यायिक आधिकारिक प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो जो नागपुर में एक न्याय कौशल नामक जो वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया वह कौन किए हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश से जो अभी जो वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा क्या किया गया? एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया न्याय कौशल के नाम से। यह कहाँ किया गया? तो ये नागपुर में किया गया। तो ये बात हम लोग सीखे जाने सीखे भी जाने भी। अगला प्रश्न, प्रियंका राधा कृष्णन बनी न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री। तो प्रश्न आएगा कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन है? तो प्रियंका राधा कृष्णन। ये आप समझ जा गए होंगे तो इस प्रश्न से यह सीखे और भी जानते हैं। इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा अडर्न। कौन है? जैकिंडा अडर्न, ये जाने। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? विलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। तो हम इस प्रश्न में कितना जाने कि प्रियंका राधा कृष्ण क्या है? भारतीय न्यूजीलैंड की पहली महिला मंत्री बने। और क्या जाने कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा अडर्न है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? विलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, ये जाने। और अगले प्रश्न में चलते हैं, फिल्म निर्माता कौन थे? फिल्म निर्माता एक्टर आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। कौन है? फिल्म निर्माता आशीष, एक्टर आशीष कक्कड़ का क्या हो गया? निधन हो गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका कौन है? इंडिया अमेरिका जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच आरंभ हुआ मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण। तो किसकी किसके बीच हुआ? जो ऐसा प्रश्न आएगा हम क्या जाने कि मालाबार जो नौसेना अभ्यास हुआ का पहला चरण किसके किसके बीच हुआ? तो इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। तो ये जाने हम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंडियन ऑयल और ICC
IISC ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किया समझौता? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में। तो हम इस प्रश्न में क्या जाने कि इंडियन ऑयल और IISC ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए क्या क्या दोनों ऑप्शन में समझदारी किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निर्देशक कौन है? गोविंदन रंगराजन। कौन है? गोविंदन रंगराजन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत में है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। तो इस प्रश्न में क्या क्या जाने एक बार देख लेते हैं। पहला कि जाने कि इंडियन ऑयल और IISC हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए क्या क्या समझौता किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुख्यालय हम जाने कि कहाँ है? बंगलौर है। बंगलौर कहाँ है? कर्नाटका में है। और क्या जाने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निर्देशक कौन है? गोविंदन रंगराजन है। और क्या जाने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है? भारत में। ये भी जाने। और क्या जाने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? यहाँ क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निर्देशक कौन है? तो गोविंद रंजन। लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद। तो ये हम जितना जाने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मिशन सागर टू। क्या नाम है उद्देश्य का? मिशन सागर टू के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज जिसको बोलते हैं INS एरावत 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ सूडान पहुंच गया। तो इस प्रश्न में क्या जाने कि जो मिशन सागर टू के तहत जो भारतीय नौसेना जहाज जो INS था एरावत 100 टन खाद्य सामग्री लेकर कहाँ पहुंचा? सूडान पहुंचा। ये हम जाने इस प्रश्न में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन यानी बोलते हैं NMCG ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। किसने? राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ दोनों क्या क्या मिलकर क्या किया? गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। ये जाने। तो पूछेगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हम इससे इस प्रश्न से जाने। हम जल शक्ति मंत्री के बारे में जाने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रख्यात वायलिन वादक और पद्म अवार्डी TN कृष्णन का निधन हो गया। क्या था? वे वादक थे और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित थे। कौन थे? TN कृष्णन का क्या हो गया? निधन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज M. Samuels ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। कहाँ का बल्लेबाज है? तो ये है बांग्लादेश के बल्लेबाज। कौन बल्लेबाज है? तो M. Samuels। ये क्या क्या है? सभी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से क्या करें? संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बार्ड द्वारा भारतीय एक्सा के अधिग्रहण को दी मंजूरी। किसने दी? तो प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI को लोम्बार्ड द्वारा भारतीय एक्सा के अधिग्रहण को क्या कह रहे हैं? मंजूरी दी। तो भारतीय एक्सा का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो भारतीय एक्सा के MD और PCO कौन है? संजीव श्रीवासन है। भारतीय एक्सा की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। भारतीय एक्सा टैगलाइन क्या है? सुरक्षा का नया नजरिया। ICICI के लोम्बार्ड कंपनी लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO कौन है? तो भार्गव दास गुप्ता। कौन है? भार्गव दास गुप्ता। ICICI लोम्बार्ड ICICI लोम्बार्ड स्थापित कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ICICI लोम्बार्ड टैगलाइन क्या है? तो क्यूक ईसी स्मार्ट। तो इस प्रश्न में हम क्या क्या जाने एक बार देख लीजिए कि जो ICICI लोम्बार्ड द्वारा भारतीय एक्सा के अधिकरण को क्या की? मंजूरी दी। और क्या जाने भारतीय एक्सा का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और क्या जाने भारतीय एक्सा के MD और CEO कौन है? तो संजीव श्रीनिवासन है। ये जाने। फिर जाने कि भारतीय एक्सा की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी स्थापना। हम भारतीय एक्सा के बारे में जान रहे हैं क्योंकि ICICI लोम्बार्ड द्वारा भारतीय एक्सा को अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और जानते हैं तो भारतीय एक्सा का टैगलाइन क्या है? तुम जाने की सुरक्षा का नया नजरिया है। और क्या जाने ICICI लोम्बार्ड कंपनी लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और क्या जाने कि ICICI लोम्बार्ड की MD और CEO कौन है? तो भार्गव दास गुप्ता है। और यह भी जाने कि ICICI लोम्बार्ड स्थापित कब हुआ था? ICICI लोम्बार्ड की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और क्या जाने कि ICICI लोम्बार्ड टैगलाइन क्या है? क्यूक ईसी स्मार्ट। क्या है? क्यूक ईसी स्मार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के छठे और सबसे कम उम्र अमृतक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का क्या हुआ? निधन हो गया। बहुत कम उम्र के
कम उम्र, मतलब कि इसका टाइम पीरियड कम था, वह उतना समय कम पीरियड के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के रहे थे? बिहार के। उनका क्या हुआ? निर्धन हो गया। अगला प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाकों खेतबड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ क्लीनेस CEO का आधारशिला रखे। तो कहाँ के मुख्यमंत्री रखे? असम के मुख्यमंत्री ने। कौन है? सर्वानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाकों खेतबड़ी में सब्जियों संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ द कसिलेंस के पर आधारित हुआ। तो ये क्या कहाँ के कहाँ कहाँ से हुआ? असम, तो असम के बारे में जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और असम के लोक नृत्य कौन है? तो ये जान लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू हुआ, बगरुम्बा हुआ, भोराल नृत्य हुआ, झूमर नृत्य हुआ। कौन हुआ? भोराल नृत्य झूमर हुआ। तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। आपको यदि वीडियो हमसे हम जो बताएं उससे यदि आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।